हाय, आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक तालाब था और उस तालाब में उस समय के राजा एक धातु का खंभा गड़वाए थे बीचों बीच में। उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। मेढकों के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना इस धातु के खंभे पर एक प्रतियोगिता कराई जाए, जो सबसे ऊंचाई पर चढ़ जाएगा, जो उसके टॉप पर चढ़ जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। यह बात सारे तालाबों के मेढकों को बताई गई। दिन निश्चित हुआ, सारे तालाब के मेढक उस दिन उस तालाब में उपस्थित हुए। कुछ प्रतियोगी मेढक जो थे उस पे उस धातु पे के खम्भे पे चढ़ना शुरू किए। चढ़ने के दौरान वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दर्शक थे जो ये कहने लगे कि इस खम्भे पर कोई चढ़ नहीं सकता, इस पर चढ़ना नामुमकिन है, असंभव दिख रहा है इस पर चढ़ना। एक मेढक चढ़ना प्रारंभ किया और उस खंभे पर आधी दूरी तक चढ़ा कि फिसल के नीचे गिरने लगा। तो वहाँ के दर्शकों ने कहा, देखो हमने कहा था कि इस पर कोई चढ़ नहीं सकता। फिर दूसरे मेढक ने प्रयास किया, वह भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ा, फिर फिसल कर गिर गया। तीसरे मेढक ने चढ़ा, ऐसे ही लगातार कई मेढक उस पर चढ़ने का प्रयास किए और अंततः फिसल कर आधी दूरी पर जाने के बाद गिर जाते। अंत में एक छोटा मेढक उस पर चढ़ने का प्रयास किया और वह आधा दूरी तक चढ़ा कि फिसल कर गिरने लगा। वहाँ के दर्शकों ने कहा, देखा ना हमने कहा था इस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा, इस पर चढ़ना असंभव है, इतनी ऊंचाई तक चढ़ पाना बहुत ही कठिन है। पर वह मेढक जो छोटा मेढक था फिर प्रयास करने लगा और अंततः उसकी चोटी पर चढ़ गया। जब वह नीचे आया तो सारे मेढक उसको घेर लिए, जो प्रतियोगी मेढक थे वह भी, जो दर्शक मेढक थे वह भी। सभी लोग ये जानने का प्रयास किए कि अंततः इस खम्भे पर यह कैसे चढ़ गया। उससे पूछने लगे, तुमने यह असंभव कार्य कैसे संभव किया। उसी दौरान पीछे से एक मेढक ने बोला, अरे उससे क्या पूछते हो, वह तो बहरा है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे परिवेश में भी बहुत सारे लोग निगेटिव बोलते रहते हैं कि ये कार्य असंभव है, इसको कोई कर नहीं सकता। पर उनमें से कुछ लोगों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी बातों को अनसुना करके अपने कार्य पर लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।